श्री विश्वामित्र जैन जी हुणा ने अपनी सारी जिंदगी समाज भलाई दे काम करदिआं बिताई। आप बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। आपने सारी जिंदगी सच अते धर्म दे रस्ते ते चलदिआं बिताई। आप बहुत ही शांत अते निग्गे सुभा दे मालक सन। अते आप जी दे संस्कार आप जी दे बच्चों विच वी वेखे जा सकदे हन। आप जी दे बच्चे बहुत ही संस्कारी पढ़े लिखे अते मेहनती इंसान हन अते समाज विच एक अहम स्थान रखते हैं। श्री विश्वामित्र जैन जी हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम उना दे समूह परिवार वालों करतार पैलेस शंकर रोड नकोदर विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत कीती अते श्री विश्वामित्र जैन जी नूं श्रद्धा दे फूल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। हो चुकी थी कि जिस दिन जन्मदिन था उस दिन एक दिन पहले
इसी संबंध में रोजाना से रेगुलर से वापस आ गए थे। अचानक परमात्मा जानता है कि वो कैसे उनका रास्ते में ध्यान हो गया। वर्तमान प्रचारपति जीनों द्वारा शांतिपूर्ण आचार्य भगवान श्रीमद नित्यानंद सूर्य महाराज की भी इस परिवार पर असीम कृपा है। जब उधर के पासवे के लिए गुरुदेव घर घर जाकर अपने चरण डाल रहे थे, तो जब गुरु जी इनके घर पर पहुंचे, हम सब साथ में थे, ये हमारे सामने का वाक्य है। तो इनके पिताजी प्रदीप जी के सरहदी के जी के उस समय बीमार थे, बेड पर लेटे हुए थे। गुरु जी जाते हैं अंदर, हाथ उठा बैठने की कोशिश करते हैं। धन भार हमारे गुरु जी आप हमारे घर आए। उन्होंने पूछा, गुरु जी हम क्या कर सकते हैं? तो गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका परिवार तो हमेशा धर्मनिष्ठ रहा है, धर्म पर गुरु आस्था है आपको। मैं आगे भी आपसे बहुत कुछ मांग चुका हूं, मुझे आस्था है कि आप अभी मुझे राशि करोगे। तो उस समय जो भी गुरु जी ने राशि मांगी, तो इस परिवार ने हंसे हंसे उस पर आपकी सहमति दे दी। यही होती है गुरुओं के प्रति आस्था। ये परिवार हमेशा ही समाज के कार्यों में, धर्म के कार्यों में अग्रसर रहा है। भाई सरयान जी हमारे जैन मंदिर कमेटी के श्री हर जैन जी का वो भी साथ निभा रहे हैं, उस कमेटी के जो मेंबर हैं। मंदिर में प्रत्येक सामग्री की व्यवस्था बनाए रहते हैं। भाई जीव जैन जी इस समय श्री जम्बा माता तीर्थ प्रबंधन कमेटी के प्रधान पर कार्यरत हैं और माता के भवन पर तन मन धन से काम कर रहे हैं। भाई प्रदीप जी समाज के हर धर्म कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इन्होंने धर्म पालन देने में कभी कोई इनकारी नहीं की। जब भी हम इनके पास इस वन में जाते हैं, तो ये हमेशा जितनी हम राशि मांगते हैं उतनी राशि बड़े सिर मथे से सिर खुश होकर दे देते हैं। नकोदर में श्री मलावराम, श्री विश्वामित्र जी का परिवार एक जाना माना परिवार है, सुप्रसिद्ध परिवार है। उसके पीछे मैं जो कारण देखता हूं वो अनुमोदनीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय है। ये परिवार सुधर्म, सुदेव और सुगुरु को समर्पित परिवार है। सुदेव हम उस परमात्मा, उस देव को कहते हैं जो ऐसी शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा में 84 काटने की क्षमता होती है। सुधर्म हम उस धर्म को कहते हैं जो मोक्ष सुख देने का अधिकारी बनाता है। और सुगुरु हम उस गुरु को कहते हैं जो कंचन कामनी के त्यागी होते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसी ही पाठ परंपरा है श्रीमद् आत्मवल्लभ सुमंदर केंद्रदेव रत्नाकर सद्गुरुओं की पाठ परंपरा, उस पाठ परंपरा को समर्पित है ये परिवार। अपने जीवन काल में परमात्मा के प्रति समर्पित, परमात्मा के कोई भी कार्यक्रम हो उसमें शमूलियत करना, अपनी शक्ति के अनुसार उसमें सहयोग देना, अपने जीवन में
बड़ी बड़ी यात्राएं की, शमेश्वर जी की, पालीताना जी की, नकोड़ पार्श्वनाथ भगवान की, संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, अनेकों यात्राएं उन्होंने अपने जीवन में की और वहां परमपिता परमात्मा के दर्शन करके जो खुशी की अनुभूति होती है, जो भक्ति करके वो उस आत्मा का एक उदयकरण होता है, एक शुभ कर्मों का पुण्य वार्जन होता है, जो कि अगले भूमि में वो मिलना ही होता है। आत्मवल्लभ समुद्रेंद्र गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण भाव, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं बता रहा हूं। मैंने वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को नहीं देखा, समुद्र सुरेश्वर जी महाराज के हम नजदीक रहे हैं। जब उनका प्रवेश होना या जब उनका समागम मिलना, उनके आगे नृत्य करना, उनको निहारना, उनकी वीरावच करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। रसम पकड़ी होगी, रसम पकड़ी के बाद इस परिवार ने कुछ धनराशि निकाली है, डाल के लिए मैं वो करूंगा। श्री गंगा माता नकोदर, श्री चकनेश्वर देवी जैन मंदिर नकोदर, दादी चौकी सुना, चरणदास मंदिर नकोदर, कांगड़ा तीर्थ कांगड़ा, वल्लस पार्क दिल्ली, विजय इंदर समाधि मंदिर अंबाला, मुनि सुब्रत स्वामी जैन मंदिर चंडीगढ़ रोड लुधियाना, मंदिर बुद्धा साई नकोदर, वल्लभ समाधि उपासक गुरुकुल लुधियाना, माता चकनेश्वरी देवी मंदिर सरहिंद, विजयानंद धाम लहरा धाम, पुजारी जंबा माता मंदिर, पुजारी चकनेश्वरी देवी मंदिर, जगदम्बे धाम देवी तालाब नकोदर, सिंहगोड़ा पार्श्वनाथ, हसनवत जैन तीर्थ, शिवालय मंदिर नकोदर, गौशाला नकोदर, गुरुद्वारा सिंह सभा नकोदर, विश्वकर्मा मंदिर नकोदर, हनुमान मंदिर नकोदर, लक्ष्मी नारायण मंदिर नकोदर, कुड़िया मंदिर कल्याण नकोदर, जैन मंदिर शंकर, विजयानंद पत्रकार लुधियाना, संगेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर संगेश्वर, नवमंदिर माता लुधियाना, पिंगलवाड़ा जलंधर, भाई हजारी मंदिर शंकर, हरिछत्रा तीर्थ मुरादाबाद, पुजारी जैन मंदिर नकोदर, शमशान घाट नकोदर। शांति देवाय सर्वदा सुस्मरण स्वभाव संपूजिताय गीताय गोवर्धन और